देश में बहुत सी सरकारें आई चली और फिर चली गईं, लेकिन कभी भी किसी केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया कि उनके सांसदों ने, उनके प्रतिनिधियों ने, उनके विधायकों ने, ऐसे लोग जिनका प्रतिनिधित्व क्षेत्रों से आता है, कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं इस बारे में जानकारी दी। ऐसा पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आप अपने क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, कौन सी योजनाएं बेहतर काम कर रही हैं, कौन सी योजनाएं बेहतर काम नहीं कर रही हैं, किस क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, किस क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ऐसी चीज़ों के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आपसे राय जानना चाहते हैं। इसके लिए एक सर्वे चलाया जा रहा है जिसमें आप बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है, अच्छी योजनाएं कौन सी हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए सुझाव क्या हैं, ऐसा आप उसमें अपना रिकमेंडेशन कर सकते हैं उसको, या अपनी राय उसमें दे सकते हैं, और एक तरीके से आपको अपने जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड बनाने का यह अवसर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप यह सर्वे कर कैसे सकते हैं। आप इसके लिए, यह आपके पास मोबाइल, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ये ऐप हो, कुछ लोग सुनने वाले ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसा सर्वे पहले कर चुके हैं, तो उनको नहीं करना है, वो दूसरों को बता सकते हैं। एक से ज़्यादा सर्वे आप नहीं कर सकते क्योंकि एक आईडी से ही लॉगिन है और उसमें कर सकते हैं आप। ये प्ले स्टोर आएगा, इसमें ये प्ले स्टोर आप खोलेंगे। प्ले स्टोर खोलने के बाद उसमें नमो ऐप सर्च करेंगे। आप नमो ऐप सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का एक नमो ऐप बन के आएगा, जो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, और इंस्टॉल करके फिर इसको खोलेंगे। जब इसको ओपन करेंगे आप, तो ओपन करने के बाद आप इस तरीके से स्क्रीन आएगी, और स्क्रीन के बाद इस तरीके का आपका स्क्रीन खुल के आएगा। आपको करना क्या है इसमें, आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप इसमें आएंगे तो लॉगिन मांगेगा, ठीक है, लॉगिन या साइन अप करने के लिए आएगा। तो लॉगिन करने के लिए रजिस्टर यूजर लॉगिन ऐसा आएगा, तो रजिस्टर यूजर और न्यू यूजर साइन अप, क्योंकि अगर आपने पहले यूज नहीं किया है तो न्यू यूजर, और किया है तो वो, तो हम इस पर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करते वक्त, लॉगिन करते वक्त यहाँ पे एक एग्री का बटन आएगा, इसको आपको दबा देना है। इस पर आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि मेरा जीमेल पे इसमें लॉगिन है, तो लॉगिन करने के बाद हम इसमें लॉगिन कर देंगे, तो ये हमारा लॉगिन हो गया। बहुत ही आसान है ये, इसमें आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने हैं, बहुत कुछ करना नहीं है। उसके बाद आप इसमें होम आप देख पा रहे होंगे, ये होम बटन पे आप इस पर देख पाएंगे। और ये जो बन के आ रहा है पीपल्स पल्स ही वो चीज़ है जिस पे आप सर्वे करेंगे। ये है पीपल्स पल्स, आपका खुल गया। आप देख रहे हैं, जब पीपल्स पल्स से खुल जाए तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि हिंदी या इंग्लिश। अधिकतर लोग हिंदी भाषी हैं, तो आप इसको हिंदी भाषा सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपका राज्य और आपका निर्वाचन क्षेत्र, तो अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी राज्य से हैं, आप जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सर्च कर लूँगा, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ तो मैं बस्ती को इसको सर्च कर लूँगा, और इसको मैं आगे बढ़ जाऊँगा। देखिए कितने आसानी से आपको इसमें, इतना आसान एप्लीकेशन है ये, कि आप इसमें देख सकते हैं कि निम्न सेक्टर्स में केंद्र सरकार की प्रगति के बारे में आपकी राय क्या है। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, ये आपकी अपनी राय क्या है वही इसमें डाल रहा है, तो इसलिए मैं इसमें अपनी राय डाल देता हूँ। तो मैं इसमें अपनी राय डाल रहा हूँ, और आप इसमें अपने हिसाब से अपनी राय डाल सकते हैं। इसका इसमें ऑप्शन आएगा अगला। इस तरीके से आप इसमें सर्वे कर सकते हैं।
इसमें आगे पूछेगा क्या आपको लगता है कि सरकारी कार्यों की गति और उसके विस्तार में सुधार हुआ है, या आपके भारत के भविष्य को लेकर पहले से ज़्यादा आशावान है, मतलब कि इस सरकार के आने के बाद आपको ज़्यादा आशा दिखती है भविष्य को लेकर के, तो आप इसको अपने हिसाब से आगे कर सकते हैं। फिर आपके केंद्र सरकार की ओवरऑल परफॉर्मेंस की रेटिंग मांगा है, तो मैं उसमें अपनी रेटिंग देता हूँ भाई, मैं खुश हूँ तो मैं अपने हिसाब से इसमें रेटिंग दे रहा हूँ। अगला, उसी हिसाब से केंद्र सरकार के ओवरऑल परफॉर्मेंस उसी तरीके से आगे। आप वोट देते वक्त के लिए आपके पास मुद्दे कौन से होते हैं वो आप डाल सकते हैं। ये फिर आपके अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय 3 भाजपा नेताओं के नाम बताएंगे, वो आप नाम इसमें डालेंगे, आप उसमें सारे नाम डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके राज्य में सबसे महत्वपूर्ण भाजपा नेता, जो सबसे लोकप्रिय भाजपा नेता है, उनका नाम डालना है, आप उनके नाम डालेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने क्षेत्र में किन क्या समस्याएं हैं, कई समस्याएं उनके बारे में आपसे पूछेगा। फिर आपके जो सांसद होंगे आप उनके गतिविधियों से उनके कार्यों के बारे में आप फीडबैक देंगे। उसी हिसाब से जो आपके विधायक होंगे उनके बारे में आप फीडबैक देंगे। और फिर केंद्र सरकार की 3 महत्वाकांक्षी जो सबसे अच्छी योजनाएं आपको लगी उसके बारे में आप फीडबैक देंगे। और फिर प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को आप अपना व्यक्तिगत कुछ सुझाव या राय देना चाहते हैं तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। इतनी छोटी सी बात है और उसके बाद आपका सर्वे सबमिट हो जाएगा और वो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास चला जाएगा। ये जो पहली बार देश में हो रहा है उसका लाभ हम सभी लोगों को लेना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे आप सभी लोग इस सर्वे में हिस्सा ले।